हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डीआर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमेशा की तरह लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर आपसे जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग देखिए ध्यान से और बताने का प्रयास कीजिए। देख, यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान की हकीकत जो पुस्तक है इसके लेखक हैं, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए वो हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है। तो सतीश वर्मा, मिहिर बोस या बिल क्विंटन या रामचंद्र गुहा, तो आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो पाकिस्तान की जो हकीकत रूबरू पुस्तक है इसके लेखक दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने सतीश वर्मा बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की जो हकीकत पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक है सतीश वर्मा। चलिए आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, 26 जनवरी, ठीक है, भारत गणतंत्र दिवस, तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। 30 जनवरी शहीद दिवस, क्या आपका यहाँ पर राइट है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को जो है तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल राइट है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए कोर्ट में, आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतान वंसल गुफा चित्रकलाएं जो है स्थित हैं और संबंधित हैं, तो ये चित्रकलाएं जो है तमिलनाडु बौद्ध धर्म से संबंधित है, या ऑप्शन बी केरल जैन धर्म, केरल बौद्ध धर्म या तमिलनाडु जैन धर्म। तो दोस्तों जो चित्तान वसल गुफाएं चित्रकलाएं हैं जो, ये दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है तमिलनाडु जैन धर्म, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तमिलनाडु जैन धर्म से जो है यहाँ पर संबंधित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको सही मिलान करना है, यहाँ पर सभी लोग देखें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुलेमित करना है, जस्टिन हेनिन हार्डेन ये आपका क्या बेल्जियम से संबंध रखते हैं दोस्तों? एक तरफ टेनिस खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है देश का नाम। तो जस्टिन हेनिन हार्डन कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने बताया है जस्टिन हेनिन हार्डन को ऑस्ट्रेलिया के, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ए वाला कहां पर मिलान करेगा, ए वाला मिलान करेगा ऑस्ट्रेलिया पे जाके। और किम ब्लिस्टर्स जो है ये कहां से रिलेट करते हैं, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है बेल्जियम से, वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि बात करें दोस्तों टिम हैनमैन की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है, ठीक है। ये आपका जो राइट आंसर था किम विलेस्टर्स, ये आपका जो राइट आंसर था दोस्तों बेल्जियम से संबंध रखते हैं, पहले पे कनेक्ट करेगा, और ये आपका टिम हैनमैन ये दूसरे पर बेल्जियम इंग्लैंड से, और ये आपका जो बच गया एंडी रॉडिक, ये आपका सामने ही दिया गया यूएस से, ठीक है। तो ये आपका चौथे से आपका जो कूट में ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, बताइए। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप, मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, जारांग देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, जारांज, ठीक है, जारांज देलाराम सड़क के बारे में
चारांज देलाराम सड़क के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यह अफगानिस्तान में है, दूसरा कथन है इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन तीसरा है इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग यहाँ बताना स्टार्ट कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों जो नंबर्स हैं यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है लंबी पूछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो लंबी पूछ वाले बंदर होते हैं आप लोग जान लीजिए, लंबी पूछ वाले बंदरों को हम लोग क्या कहते हैं? मकाक बंदर कहते हैं। तो आप सभी का जो यहाँ पर है मकाक बंदर, ये सिलिकॉन वैली, शांत घाट या मेडागास्कर या अंटार्कटिक, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर जो है शांत घाट में पाए जाते हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सिलिकॉन वैली जो है ये आपका कर्नाटक में तथा विश्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली, तो आप इसके बारे में आप लोग परिचित रहिए। बाकी शांत घाट में जो है ये बंदर पाए जाते हैं मकाक बंदर, जिनकी पूंछें लंबी होती हैं। अगला प्रश्न है गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो गुआम द्वीप पर दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। किसका? अमेरिका का। आप सभी लोग देख सकते हैं अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है गुआम द्वीप पर। आप सभी लोग इसे देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों गरीबों की कथकली जो है यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, ओट्टंतुल्ल, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नृत्य जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो गरीबों का कथकली है वो आपका ओट्टंतुल्य है, और ये जो मोहिनी अट्टल है ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहिनी अट्टम केरल का लोकप्रिय और जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष BSN, ठीक है, किस वर्ष BSNL जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो 2000, 2001, 2002, 2003। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो BSNL है इसका पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ये आपका इंडिया से रिलेट करता है BSNL, और इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है भारत संचार, और यन का मतलब दोस्तों होता है निगम, यल का मतलब होता है लिमिटेड। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से सुने और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2000 ईस्वी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यदि याद है किसी को तो बताए, तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है काउंट बिस्मार्क, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सुलेमित नहीं है, सुलेम नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर डी वाला है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने भारत आसियान का सदस्य नहीं है बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को जो है बैंकॉक ने ये घोषणा कर दी थी कि आसियान की स्थापना हो रही है। ठीक है, चलिए भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है यह रचना जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंध रखता है।
तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, भारत भारती के लेखक जो है यहाँ पर आपके मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति, ध्यान देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा कार्य किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? टेम्पलटन पुरस्कार, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का पार्थिव शरीर रखा गया है और यूएनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? देखिए, गोवा में ऐसा स्थित मशहूर चर्च है, उसका नाम आपको बताना है, जहां जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर पार्थिव का शरीर जो है रखा गया है, यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोवा, सभी लोग जानते हैं कि भारत का एक बहुत ही छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा ही है भारत का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, बोम जीसस का बसी लिका, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, नोएडा ब्लॉक, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो है दोस्तों चीनी यात्री चीनी दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वास है कि आप लोग इसको बता लेंगे। तो गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये कहाँ पर है, गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, तो श्रीलंका में जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बहुत सारी गुफाएं हैं और मंदिर भी हैं, तो श्रीलंका के बारे में आप लोग ध्यान में रखिए, और बाकी गोल्डन रॉक पैगोडा जो है ये आपका म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, टेनिस में हाई कोर्ट का वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। तो दोस्तों टेनिस में हाई कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है नेचुरल, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ड्रीम बुक नीट बुक, यहाँ पर ए, काफी सारे लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद जो है आप सबकी जो इम्पोर्टेंट क्लास एक और है, उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको लेना मत भूलिएगा। चलिए इसको बताने का प्रयास कीजिए, तीसरे पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नाग। ठीक है, नाग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर खत्म होती है, और जितने भी लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।